आज हम लोग प्रोनाउंस के विषय में पढ़ेंगे। व्हाट आर प्रोनाउंस? प्रोनाउंस आर दोज वर्ड्स व्हिच यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन एज ही सी दे वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन के प्रकार, प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, वे प्रोनाउन जो किसी पर्सन से संबंधित होते हैं, किसी व्यक्ति से संबंधित होते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। नंबर 2 सेकेंड पर्सन जिसमें यू आता है। नंबर 3 थर्ड पर्सन जिसमें ही सी इट और दे आते हैं। नंबर 2 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वे प्रोनाउन जो किसी वस्तु को संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। डिमांड का मतलब संकेत होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। दिस दैट डीज और दो, ये 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन, वे प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उनको रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, हु है, विच है, वेन है, वेयर है, हाउ है, ये दो वाक्यों के बीच में होते हैं और दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, संबंध स्थापित करने का काम करते हैं। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये प्रोनाउन, इन प्रोनाउन से कोई प्रश्न बनता है और यह भी हु, व्हेन, व्हिच, हाउ, या वाक्य शुरू में होते हैं और इनके लगाने से प्रश्न बनता है, इस नाते यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरक सर्वनाम और यह वाक्य को बांटने का काम करते हैं। जैसे आइदर, नाइदर, इज, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अगला है इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, अनिश्चित सर्वनाम, यह वाक्य में प्रयोग करने के बाद निश्चित नहीं होता, अनिश्चित होते हैं। आर है, वन है, अदर है, सम है, फ्यू है, एनीबॉडी इत्यादि इंडिपेंडेंट प्रोनाउन होते हैं। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम या वाक्य में सेल्फ जोड़ने से बनते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ इत्यादि जोड़ने से बनते हैं और यह वाक्य के अंत में होते हैं। जैसे आई कैन डू इट माई सेल्फ, यह वाक्य माई सेल्फ जो वाक्य अंत में है, इस नाते यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगला है इंफेटिव प्रोनाउन, यही प्रोनाउन यदि वाक्य में तुरंत सब्जेक्ट के बाद प्रयोग हो जाता है तब वह इंफेटिव प्रोनाउन हो जाता है, जोर दबाव देने वाला प्रोनाउन हो जाता है। जैसे आई माई सेल्फ कैन डू इट पहले वाक्य में अंत में है और दूसरे वाक्य में दूसरे स्थान पर है, इस नाते दूसरे वाक्य वाला इंफेटिव प्रोनाउन हो जाता है। अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन यह दो वाक्यों को अलग करने के लिए होते हैं। जैसे ईच अदर है, वन अदर है इत्यादि ये प्रोनाउन होते हैं। एच डब्ल्यू राइट एंड लर्न, प्रोनाउंस एंड इट्स टाइम्स, टुडे
आई शैल फिनिश दिस टुमारो, आई विल टीच यू नेक्स्ट।